भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वह आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है? या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपने टैलेंट और कैपेबिलिटीज का अधिकतम प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो यह बुक समरी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। और इस बुक का नाम है बिलीव इन योर सेल्फ। ऑथर ने इस बुक में हमें बताया है कि हमें अपने आउटर वर्ल्ड को जीतने या अचीव करने से पहले हमें अपने इनर वर्ल्ड से जीतना होगा। खुद के इनर वर्ल्ड से जीतने के लिए आपको अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो आप पर इस पूरे वर्ल्ड के 700 करोड़ लोग कैसे बिलीव करेंगे। अब बात करते हैं पावर ऑफ कॉन्फिडेंस की। हम सभी लोगों के पास एक कुदरती शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को तब महसूस करते हैं जब हम अपने दिमाग से चीजों को समझने और देखने का तरीका बदलते हैं। यही वह शक्ति है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी चीज के प्रति विश्वास बन जाता है तब हमारे अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगता है। एक बार एक आदमी ने दो खूबसूरत पक्षी खरीदे। उसने अपने माली से कहा कि वह इन दोनों पक्षियों को प्रशिक्षित करें, यानी कि ट्रेनिंग दे। थोड़े दिनों के बाद माली ने देखा कि उन दोनों पंछियों में एक ने उड़ना सीख लिया जबकि दूसरा पंछी उड़ नहीं पा रहा था। मतलब उसने कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं की, वह हमेशा डाली पर बैठा रहता था। माली उस पंछी को उड़ना सिखाने की बहुत कोशिश करता था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मालिक ने उन दोनों पंछियों को आसमान में उड़ते हुए देखा तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने माली से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? तब उस माली ने कहा, मैंने इस पंछी को उड़ाने के लिए कई प्रयास किए लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिसमें वह बैठा करता था। ठीक उसी प्रकार ज्यादातर इंसान हमेशा अपने दुखों के साथ चिपके रहते हैं। वह कभी ये सोचते ही नहीं है कि इन दुखों के बिना जिंदगी कैसी होती है। हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है तो नकारात्मक सोच उस पर हावी हो जाती है। उस समय उसको ना अपने आप पर, ना दूसरे लोगों पर, ना ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रहता है। ऐसी परिस्थिति में उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, वह अपने मन की बात को मानकर निराशा के समंदर में डूबा रहे। दूसरा, उस दुख को खत्म करने के लिए रास्ता खोजे। अच्छा सोचने से हमारा दिमाग हर समस्या का समाधान खोज ही लेता है। हमारा दिमाग वह शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी ना किसी तरीके से सच कर ही देता है। फिर जब आप अपने गोल के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं, मतलब उसके बारे में निश्चिंत हो जाते हैं, तब आपका दिमाग उस सोचे हुए सपने को सच मान लेता है। जिस चीज को हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है वह चीज निश्चित रूप से घटित होती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल नहीं होंगे तो यकीन मानिए आपको असफलता ही हाथ लगेगी। यानी सारा खेल मन के विश्वास का है। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल दो तो वह तैरकर निकल जाएगा, जबकि अगर आप किसी ऐसे इंसान को तालाब में डाल दो जो तैरना नहीं जानता है तो वह डूब जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस जानवर को यह विश्वास होता है कि वह तैरकर पार हो जाएगा, इसलिए वह पार भी हो जाता है। जबकि जिस इंसान को तैरना नहीं आता है वह अपने मन में विश्वास भी नहीं कर पाता है कि वह सच में तैरकर नदी को पार कर सकता है, इसीलिए वह डूब जाता है। यानी कि यह इंसान ऐसे समय में भी नेगेटिव चीज को सोच रहा है। हर इंसान को कोई ना कोई नेगेटिव चीज बांध कर रखती है, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव चीज इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। जिस दिन आपने उस डाली की तरह अपने आप से नेगेटिव चीजों को दूर कर लिया उस दिन से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं योर फीलिंग आर योर बिगेस्ट वेपन।
आपकी फीलिंग ही आपके लिए सबसे बड़ा वेपन है। जब आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी गोल सेटिंग और उसे विजुलाइज करते हैं, तब आपको वहां पर अपने इमोशन को जोड़ना होगा। ऑथर ने यहाँ पर भी कुछ चीजें नोटिस की हैं। हमारी फीलिंग्स और इमोशंस की बहुत पावर होती है। हम जब अपने डिजायर को इमोशन और फीलिंग से कनेक्ट करते हैं, तब वहां पर बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। अगर आप ऐसे टारगेट सेट कर रहे हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करता है, तो आपके लिए वहां पर फीलिंग्स को लॉन्ग टर्म में कनेक्ट करना चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन अगर आप रिजल्ट लाने की एक बर्निंग डिजायर रखते हैं, तो आप नॉर्मली नियमित रूप से एक्शन लेते रहेंगे, अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी बर्निंग डिजायर के लिए अवेयर रहना होगा। यह तभी संभव है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब आगे बात करते हैं डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की। एक बार ऑथर एक ग्रेट बिजनेसमैन से मिले। उस ग्रेट बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया कि कैसे उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से स्टोर से की थी। उसने कहा कि वह बड़े बड़े सपने देखता था, वह बहुत ही बड़ा ड्रीमर था। वह सोचता था कि उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी हो जिसकी ब्रांच पूरे देश में फैली हो। उसने कहा वह अपने मन ही मन में बड़े बड़े ऑफिस, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और स्टोर्स की पिक्चर बनाया करता था। वह यह प्रैक्टिस रेगुलर और डिसिप्लिन वे में करता था, एक कंट्रोल्ड इमेजिनेशन के साथ। वह जानता था कि रेगुलर, कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन इमेजिनेशन से वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इससे वह अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील करता था। इससे उसे काम करने की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती थी। धीरे धीरे वह प्रोस्पेरिटी की ओर बढ़ने लगा। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने सपनों को रियलिटी बना लिया। उसने वह सब कुछ पा लिया जिसकी उसने कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की थी। इसे हम एक डिसिप्लिन इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। वह जब तक जिया तब तक अपनी हर इच्छा पूरी करता रहा। ऑथर को बिजनेसमैन की कही हुई एक लाइन खास तौर पर पसंद आई। अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना जितना आसान है, उतना ही आसान असफल के रूप में इमेजिन करना है। लेकिन यह बहुत ही रोमांचक है। ऑथर एक ड्रीमर है। उनके मन में वह पिक्चर और गोल्स हैं जो वो पाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि एक क्रिएटिव पावर उनकी इमेजिनेशन पर रिएक्ट करेगी। हम जो कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करते हैं, वह फीलिंग से डेवलप होती है। टीचर ऑफ मेंटल साइंस थॉमस स्ट्रोम ने कहा है, फीलिंग इज द लॉ एंड लॉ इज द फीलिंग। फीलिंग ही पावर का सोर्स है। रिजल्ट पाने के लिए हमें अपनी कंट्रोल्ड इमेजिनेशन को फीलिंग से चार्ज अप करना चाहिए। अपने गोल को अपनी फीलिंग से जोड़कर पावरफुल बना लें। इस पावर को अपग्रेड करते रहें। अपने गोल के प्रति लॉयल रहें। जब यह सब आप करेंगे तो डर भी आपसे डरेगा। डर आपके आसपास भी कभी नहीं आएगा। आपके पास फाइनल रिजल्ट को कंट्रोल्ड वे में इमेजिन करने की अमेजिंग पावर है। अगर सच में आप अपने गोल को पाना चाहते हैं, तो आप अपने मन में इसके फाइनल रिजल्ट की एक कंट्रोल्ड इमेजिन पिक्चर बना लें। क्योंकि जिस चीज की आप फीलिंग के साथ कंट्रोल्ड इमेजिन पिक्चर बना पाते हैं, वह फ्यूचर में आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है। बस आप अपने गोल के साथ लॉयल रहें। अब बात करते हैं डेवलप अ राइट मेंटल एटीट्यूड। बिजनेस की दुनिया के लोग या बिजनेस टाइकून राइट मेंटल एटीट्यूड के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं उन्हें याद है कि उन्होंने कई साल पहले पूर्ण जन्म पर एक आर्टिकल बनाया था। इस आर्टिकल की कॉपी को एक चर्च के काउंटर पर डिस्प्ले किया गया जहां पर ऑथर लेक्चर देते थे। शुरुआत में बहुत ही कम कॉपी सेल हुई क्योंकि सेल्स गर्ल इस आर्टिकल के आइडिया की कट्टर विरोधी थी। ऑथर ने सेल्स गर्ल को पूर्ण जन्म वाली बाइबल की कहानी का मीनिंग और मोरल समझाया। यह भी बताया कि दरअसल यह किस बारे में थी। वह स्टोरी का प्लॉट समझ गई। फिर वह आर्टिकल के लिए एंथुजियास्टिक हो गई। उसने ऑथर के लेक्चर खत्म होने से पहले ही सारे पैम्पलेट बेच दिए थे। यह स्टोरी एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस का एग्जाम्पल था।
क्योंकि एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आपके राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब है पीपल, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट्स पर मेंटल रिएक्शन। क्या आप सामान्य रूप से ह्यूमन एनिमल नेचर फ्रेंडली है? क्या आपको लगता है कि दुनिया में बुराइयां भरी पड़ी हैं? इसे आपके सामने झुकना चाहिए। सिंपली आपका एटीट्यूड क्या है? सेल्स गर्ल का रिस्पॉन्स आर्टिकल और राइटर के लिए नेगेटिव था। उसने राइटर और आर्टिकल को प्रीजज कर लिया था। उसका यह एटीट्यूड सही नहीं था। हम राइट एटीट्यूड तक डेवलप करते हैं जब हमें समझ आ जाए कि कोई भी बाहरी चीज तब तक हमें हार्म नहीं कर सकती जब तक उस पर हमारी मानसिक सहमति ना हो। हम आउटसाइड नेगेटिविटी को पावर तब देते हैं जब हम इन्हें अंदर आने की परमिशन देते हैं। अदरवाइज आउटसाइड नेगेटिविटी में कोई पावर ही नहीं होती। ऑथर कहते हैं कई लोगों का लाइफ को लेकर सैड व्यू या पैसिफिस्ट एटीट्यूड होता है जो कि इनकी सारी परेशानियों की जड़ है। अब आखिर में बात करते हैं द पावर ऑफ बिलीव। ऑथर कहते हैं कि उनका एक रिलेटिव था, उसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई थी। उसके लंग्स में यह बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तब उसके बेटे ने एक दिन उसका इलाज करने का फैसला किया। वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ नाम की जगह पर गया जहां उसके फादर रहते थे। उसने अपने फादर से कहा वह एक सन्यासी से मिला है जिन्होंने उसे एक क्रॉस दिया। इसके बदले उन्होंने $500 लिए हैं। लेकिन लड़के ने फुटपाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था, सुनार के यहाँ जाकर उस लकड़ी के टुकड़े को एक अंगूठी में मंडवा लिया था ताकि यह असली लगे। उसने फादर को बताया कि यह क्रॉस या अंगूठी के छूने मात्र से कई लोगों की जानलेवा बीमारी ठीक हो चुकी है। उसने अपने फादर के बिलीव को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि उसके पिता ने उसके हाथ से रिंग छीन ली, अपने सीने पर रखकर प्रेयर करने लगा। वह प्रेयर करते करते सो गया। अगली सुबह तब मिरेकल हो चुका था। डॉक्टर के सारे टेस्ट इस बात के सबूत थे दैट ही इज परफेक्ट। जाहिर है कि फुटपाथ पर उस लकड़ी के टुकड़े ने बूढ़े आदमी को ठीक नहीं किया। यह तो उसका बिलीव था जो इतना बढ़ गया था कि उसके लिए आइडल ट्रीटमेंट बन गया। उसका बिलीव और फीलिंग एक दूसरे से जुड़े और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। उसको कभी नहीं पता चला कि उसके साथ क्या ट्रिक खेली गई। अगर उसे पता चल जाता है तो शायद उसे दोबारा टीवी हो जाती। वह पूरी तरह स्वस्थ रहे और 15 साल तक जिए। बिलीव की पावर इतनी बड़ी है वह इस स्टोरी से समझ सकते हैं। वह बिलीव ही है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। आप और हम सब बिलीव की पावर को यूज करके लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिलीव से कुछ भी किया जा सकता है। और ऑथर कहते हैं मैंने खुद बिलीव की पावर को एक्सपीरियंस किया है। तो आज की ऑडियो बुक समरी में इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ।